ये देखें, ये बिल्डिंग है नेस्ला टावर, जो कि काफ़ी मल्टीपल स्टोरीज बिल्डिंग थी, लेकिन अब इसका हाल देखें, जब बोर्ड ने ऑर्डर किया कि इसको डिमोलिश करना है, तो ये यहाँ के जो इदारे हैं कंसर्न, उन्होंने इसको डिमोलिश करना शुरू कर दिया और यहाँ के जो रिहायशी थे उनको घरों से निकाल दिया। तो ये देखें अब इसकी क्या कंडीशन, कहाँ अरबों करोड़ों रुपये की प्रॉपर्टी थी और अब इसकी हालत देखें, बस एक मलबे का ढेर के अलावा और कुछ भी नहीं है। डिसीजन ठीक है, लेकिन ये कि थोड़ा सा कंसर्न इदारों को भी थोड़ा इसको देख लेना चाहिए था कि जो जिन लोगों ने यहाँ ये ख़रीदी है जगह, उन्होंने अपनी कितनी मेहनत की कमाई से खरीदी होगी। हाँ, वो जो इदारे जिन्होंने NOCs वगैरह दी वो रिस्पॉन्सिबल इस चीज़ के ज़्यादा होते हैं। तो अभी भी देखें कम्प्लीटली डिमोलिश नहीं हुई है, ग्राउंड प्लस वन ग्राउंड प्लस टू स्टोरी अभी बाकी है और इसको बहुत तेज़ी से इस पर काम हो रहा है और इसको गिराया जा रहा है। आप देखिए ऊपर शावलर और जो भी हैं ड्रिल वाले जो बड़े बड़े हैवी मशीनरी वो लगी हुई है ताकि इसको जल्द से जल्द डेमोलिश कर दिया जाए। ये देखिए इधर से देख लीजिए आप, और तो आप लोगों से देखने वालों से गुजारिश है कि जब भी आप कोई अपनी प्रॉपर्टी प्लॉट या फ्लैट कुछ भी ख़रीदें तो बराए करम इसको कन्फर्म कर लें मल्टीपल सोर्सेज से, ना कि ये कि चंद लोगों से जो कन्फर्म बिल्डर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने आपको खाली डॉक्यूमेंट्स दिखा दिया NOCs दिखा दी और आपने उस पर रिलाई नहीं करना है, ठीक है ना। तो आप लोगों को प्रॉपर उससे क्रॉस चेक भी करवाना है, क्योंकि ये 15 से 20 जो कंसर्न इदारे जो बिल्डर्स वगैरह बोलते हैं, हम तो 18 से 20 हमें NOCs लेनी पड़ती है मुख्तलिफ इदारों से, फिर जाके इनका प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है या प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं। लेकिन देखें अफसोस की बात, या वो इन्वेस्टर्स या बिल्डर्स की जाहिर है वो उस तरीके से काम नहीं कर पा रहे, लेकिन जो यहाँ पर रिहायशी थे उनकी इतनी अमाउंट डूब गई है, नंबर वन। नंबर टू ये कि वो बेघर हो गए, तो इस चीज़ पे थोड़ा देखना चाहिए। तो हमें खुद ही हमको इसके ऊपर स्टेप लेना है और अपने खुद ही एहतियात करनी है कोई भी जगह ख़रीदने से पहले और इन्वेस्ट करने से पहले अच्छी तरीके से उसकी वेरिफिकेशन कर लें। देखें अरबों की प्रॉपर्टी और अब देखें मलबे का ढेर है, बिल्कुल उसमें कन्वर्ट हो गई है। इसी तरीके से कुछ बहरिया की भी कुछ ऐसे ज़मीन थे जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने एक्शन लिया था और उनको पेनल्टी लगाई है, तो उधर भी कुछ काफ़ी लोगों के प्लॉट्स वगैरह फंसे हुए हैं और अब वो वहाँ पर उनको पेमेंट्स नहीं मिल पा रही। अब उन्होंने शायद कुछ जाके डिसाइड किया बहरिया वालों ने कि एक्सचेंज में या उस जगह की जगह बदले में कोई दूसरा प्लॉट को दे देंगे और जो भी उसकी डिफरेंस की अमाउंट होगी तो वो जो है ऑनर जो है वो उसको पे करेंगे, अदरवाइज़ वो पेमेंट्स भी उनकी होल्ड हुई है लोगों की वहाँ पर और उनको यानी कि अमाउंट रिटर्न भी नहीं मिल रहा। तो ये सारी चीज़ें, तो आप लोगों सबसे गुजारिश है कराची के शहरियों से, बल्कि पाकिस्तानियों से, कहीं भी किसी भी मुल्क से किसी भी एरिया में रहने वालों से, तो पहले बराए मेहरबानी प्रॉपर्टी या जगह खरीदने से पहले आप उसको डिफरेंट सोर्सेज से वेरीफाई कर लें और अगर रिटर्न में डॉक्यूमेंट हो आपके पास तो वो बहुत अच्छा है, वर्बली नहीं कि सुने सुनाए पे आपने काम किया और उसको कान धड़ लिया और उसकी बेसिस पे आपने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया, उसके बाद देखिए यह है। तो होपफुली कि आप सब क्राइशियड समझ गए होंगे, ठीक है, और नेक्स्ट टाइम हमारे जितने भी शहरी हैं वो ऐसा फ़ैसला करने से पहले, परचेज करने से पहले 100 दफ़ा सोच के फिर परचेज करें प्रॉपर वेरीफिकेशन के बाद। शुक्रिया।